रामगढ़ताल पुलिस ने 16 अगस्त को सीएमएस कर्मचारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 5,28,000 की लूट करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस रिमांड पर लिया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 16 अगस्त को एसबीआई के बुद्ध विहार तारामंडल के पास एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें अभियुक्त के द्वारा सीएमएस कर्मचारी कलेक्शन एजेंट के आंख में मिर्च पाउडर डालकर 5,28,000 रुपए की लूट की गई थी, जिसमें गोविंद यादव पुत्र सीताराम यादव वर्तमान में निवासी ग्राम सिंदुली बिंदुली डुमवा ढाला थाना रामगढ़ताल गोरखपुर न्यायालय में हाजिर हो गया था, जिसे रामगढ़ताल पुलिस ने बुधवार को पुलिस रिमांड में लिया है। अभियुक्त गोविंद के निशानदेही पर चिड़ियाघर बाउंड्री के उत्तर नीम के पेड़ के किनारे ईंट के नीचे से लूट की राशि 10,000 रुपए बरामद किया गया तथा अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। पुलिस कस्टडी में लेने वाली टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, फल मंडी चौकी प्रभारी अक्षय कुमार मिश्रा, कांस्टेबल प्रवीण कुमार पांडे सहित सचिन कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, आठ 2021 को एक कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात हुई थी। उसके आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर कुछ लोगों ने इसमें लूट किया था। वो अलग अलग जगहों से कलेक्ट करता था पैसे और बैंक में जमा करता था। इसी को अभी पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया गया है और गोविंद यादव नाम है इसका, पुत्र सीताराम यादव, निवासी है सेंदुली बेंदुली धूमवा ढाला थाना रामगढ़ताल। इसके निशानदेही पे चिड़ियाघर बाउंड्री वॉल के पास से नीम का पेड़ है, उसके नीचे ईंट के नीचे से 10,000 रुपये इसने बरामद कराया है और इसको आगे विधिक कार्रवाई इसकी की जा रही है। ये मुकदमा अपराध संख्या 336/21 है, धारा 392/411 IPC। हाँ, इसके पहले भी इस पर लूट के मुकदमे हैं और ये जेल जा चुका है इसके बाद। इस मुकदमे में 4 लोग वांछित थे, इसमें से एक अभी भी फरार है। कोई पुराना अपराधी इतिहास है? इसका अपराधी इतिहास है।